की फटी टोपियों पर छंज न कर हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, जमीन अगर खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, जमीन अगर खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। और वतन अगर मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, वतन अगर मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी जानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी जानो। जनाबे वाला 27 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब हमारे दुश्मन भारत ने एक बुजदिलाना गीदड़ की तरह रात की तारीकी में हमारी सरहद की तरफ आने की कोशिश की थी। ये वो दिन था कि जब भारत ने हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर जनाबे वाला हमारा दुश्मन ये बात भूल चुका था कि वो जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए जा रहा है उस मुल्क के जानिसारों का लहू बोलता भी है। हमारा दुश्मन ये बात भूल चुका था कि वो जिस मुल्क पर मैली निगाह से देख रहा है उस मुल्क की बुनियाद भी रियासत मदीना पाक की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई। जनाबे वाला अगर हम तारीख के औरात पलटे तो हमें कई एक ऐसी लातादाद मिसालें मिलती हैं जो ये बात साबित करती हैं कि फतह लहू मांगती है और लहू ही है जिससे तारीख अपना रुख बदलती है। सदर अली बकार बिला ताखीर करबला के मैदान में चलते हैं। आइए करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने यजीद के आगे अलमे बगावत बुलंद किया और सर झुकाने से इनकार किया तो उन्होंने साबित किया लहू बोलता भी है। 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया के कमांडर नवाज अली और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में लेकर और MiG-21 को जमीन बोस कर ये बात साबित की गई। लहू बोलता भी है। मजीदा के चलिए सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की बालाकोट के मकाम पर उसके जवाब में पाक फिजाइया के जवानों ने जिला पटगाम में तियारा गिराकर ये बात साबित की। लहू बोलता भी है। दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद है एक कदा अली बकार। हमें यह सिखाया गया हमारी तरबियत के दौरान कि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करनी, किसी की तरफ बिला वजह उंगली नहीं उठानी, मगर हमें साथ में ये सबक भी दिया गया कि अगर कहीं जुल्म उठे तो जुल्म के खिलाफ बोलो, क्योंकि तारीख का है कि तारीख हमेशा उन पर लिखी जाती है जो जुल्म के खिलाफ बोले, ना के उन पर जो जालिमों के तलवे जागते फिरे। तो सुनिएगा के मैं भी सिना की नौ कातिल, मेरा निशा मिटाने पे है बजित, मैं भी सिना की नोक पर सर छोड़ जाऊंगा, लश्कर करेंगे मेरी बहादुरी के तस्करे, लश्कर करेंगे मेरी बहादुरी के तस्करे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। साहिब सर हमारा दुश्मन भारत हमारी दिलेरी के किस्से भूल गया, हमारी शान शौकत भूल गया, हमारा सिक्का भूल गया, हमारा परचम भूल गया और हमी से तंजन पूछता है कहां गई तुम्हारी शौकत, शान शौकत कहां गया तुम्हारा परचम। तो सुनिएगा आज ये 17 साल का नौजवान कश्मीरी उसे जवाब देता है। तवज्जो रखिएगा कि घरों के दस्ते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहाँ मकबरों में रखे हैं, हमारे सर की खुदी टोकरियों पर तंग न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पर छंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं।
प्रकार हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। बहुत से लोग आज के प्रोग्राम में बैठे होंगे जिन्होंने मुझे पहली बार सुना होगा, तो वो ये सोच रहे होंगे कि ये तो अभी बच्चा है, इसको तो ऐसी बातें नहीं करनी होगी। तो अली वकार, आपकी मौजूदगी में मैं उन लोगों को समझाते हुए भारत को जवाब देना चाहता हूँ। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर, क्या लेगा? ये रही जान, ये गर्दन है, ये सर, क्या लेगा? और सिर्फ एक शेर उड़ा देगा पर खचे तेरे, तू समझता है ये बच्चा है कर क्या लेगा, तू समझता है ये बच्चा है कर क्या लेगा। मेरी इन बातों को महज मेरे जज्बात न समझा जाए, ये मेरे अंदर का सच्चा मोहब्बे पाकिस्तान और कश्मीरी बोल रहा है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फौज के शहीदों को और गाजियों को, और इन्हीं अशआर के साथ इजाजत चाहूंगा कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर पाकिस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर पाकिस्तान।